व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों मैं यहाँ पे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, रेगुलर नहीं हूँ वीडियो के ऊपर, क्योंकि मेरे घर में जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार चल रहे हैं और मेरे नाना की भी अभी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं लेके आ पाता हूँ डेली। पर कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक यूट्यूबर के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों आज से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग घर पे ही माइक बना सकते हैं। तो दोस्तों माइक ज़्यादा ही, क्योंकि आप लोग जानते हो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उनके पास माइक परचेस नहीं कर सकते हैं और उनके पास इतना रुपये नहीं है कि वो एक माइक अच्छा सा ले सकें, इसीलिए मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप लोग एक अच्छा सा माइक बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग दिख रहे हो, जो मैंने माइक लगा रखा है ये बोया M1 माइक है, जो कि काफ़ी अच्छा माइक आता है। मैंने इसको प्रयोग किया है और मैं आप लोगों को, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को इसी माइक के बारे में सलाह दूंगा कि आप लोग इसको परचेस कीजिए। तो परचेस करने के लिए आप लोग को पता ही होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग के घर में कोई वेस्ट या आप लोग की लीड होती हैं जो कान में लगाई जाती हैं, ईयरफोन्स जो कि आप लोग को कान से टूट जाती हैं, कहीं से टूट जाती है, तो आप लोग उनको फेंक देते हैं। तो दोस्तों उनका मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ करके बताऊंगा कि इससे उनसे भी आप लोग एक अच्छा सा माइक बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास नहीं है तो दुकान से जाके सिंपल सा आप लोग परचेस कर। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास कुछ ये है, जो कि मेरे पास लीड थी और इसको देख रहे होंगे कि मेरे पास ये बहुत पहले की लीड है और ये ख़राब हो चुकी थी एक बीच में, क्योंकि इसका एक तरफ का जो ये कान वाला है ये जो है ये बज नहीं रहा है। तो इसमें आप लोगों को पता होगा एक बार वेस्ट तो इनको ऐसे फेंक दिया जाता है और फिर कोई काम नहीं। तो इन्हीं का आज यूज करके मैं आप लोगों को बताऊंगा एक माइक बनाना। तो सिंपल सा आप लोग को एक लीड ले लेना है जो कि कुछ इस तरीके की रहेगी। तो इसका मेन आप लोग को देखना है कि इसका ये सही होना चाहिए। अगर ये सही है और ये अगर ख़राब हो जाएंगे तो इनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो कान में ही आप लोग के लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना कुछ ऐसा है सिंपल सा, आप लोगों की ये जो लीड है इसको आप लोग यहाँ पे जैक, तो आप लोगों को पता होगा इसको ऐसे ही रहने देना है। और इसका जो ये हो गया ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको आप लोग को कुछ करना है। अगर आप लोग इसमें लीड में तो बाहर है तो इसको आप लोग फोल्ड कर करके कुछ अच्छा सा इसको लुक दे सकते हैं। तो मैं इसको पहले जल्दी फटाफट फोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये मुझे अटपटा ना लगे, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छा लुक भी बन जाएगा। अगर ब्लैक कलर की लीड हो तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा आप लोगों का बन जाएगा घर में ही माइक, और वॉइस भी काफ़ी अच्छी क्लियर आती है इसमें, वॉइस नहीं आएगी। तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें फोल्ड कर सकते हैं, या तो आप लोग लगा सकते हैं, कोई टेपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाइट कलर का टेप लगा दीजिए, अगर नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। तो मेन इसका जो माइक है इसको आप लोग को करना है कुछ इस तरीके से। तो इसको पहले आप लोग को दोनों बराबर करना है, काटने वाटने कोई जरूरत नहीं, काटना वाटना नहीं बिल्कुल भी। आप लोग अगर काटने का मन हो तो यहाँ से काट सकते हैं, पर मैं आप लोग उसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग इसमें अगर अच्छी लीड है तो उसमें आप लोग गाने भी सुन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपल से आप लोग को दिख रहा होगा ये फॉर्म, मेरे पास जो ये फॉर्म है ये आप लोग को मिल जाएगा 4 या 5 रुपए का, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख लीजिए शॉप में आप लोग को मिल जाएगा। तो सिंपल से आप लोग शॉप में जाकर इसको परचेस कर लेना, क्योंकि ये माइक में लग के आता है और ये अलग से आप लोग परचेस कर लीजिए, 5 रुपए लगेंगे, ज़्यादा रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें इसका आप लोग का काम पता ही होगा कि क्या होता है, ये अगल बगल का नॉइज़ रिडक्शन होता है उसको ये कम करता है और एकदम वॉइस को क्लियर बना देता है। तो दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से करना है, जो ये मेरा माइक है आप लोग को देख लेना, जो यहाँ पर ये छेद आप लोग को दिख रहा होगा इसमें, ये होल टाइप का भी दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें आप लोगों को मेन यही रहता है, मेन माइक यही है आप लोगों का। तो इसको आप लोगों को ऐसे करके कर लेना है कुछ इस तरीके से फोल्ड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये लीड को बराबर करके ऐसे करके मैं फोल्ड कर लेता हूँ। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया, मैं अभी एक लीड तार इसको फोल्ड कर लेता हूँ। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ये जो इसका फॉर्म है इसको आप लोग को इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देना है, और जैसे ही आप लोग इसको सेट करेंगे आप लोग को दिख रहा होगा कितना अच्छा इसमें लुक लगने लगा है, बिल्कुल माइक जैसा लुक ये आपको देगा, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगेगा देखने में, उतना भी बुरा नहीं लगेगा। तो सिंपल से आप लोग को जब ये सब कुछ कर लेना है, और इसके बाद आप लोग इसको काफ़ी आसानी से अपने कपड़ों के अंदर ऐसे करके लगा भी सकते हैं। तो मैं अब आप लोग को इसको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ये जैक है, इसको सिंपल से आप लोग पता होगा मोबाइल में अपने लगा लेना है, और मैं आप लोग को इसकी क्लियरिटी भी आवाज़ सुन सके। अभी जो आप लोग सुन रहे हैं ये तो बोया वन माइक का है, अब जो मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ आवाज़ वो इस वॉइस जो इस चीज़ की होगी, बिल्कुल इसकी होगी, देखते हैं कैसी क्लियरिटी आती है। तो फ्रेंड जो अभी हम लोगों ने माइक बनाया है लीड वाला, ईयरफोन वाला, उसको मैंने जो है अपने मोबाइल पर फिट कर दिया है। अब मैं इसको सिंपल से आप लोग को लगा के बता देता हूँ किस तरीके से लगाना है। तो ये जो लीड है आप लोग को इनको दोनों को जो कान वाले ईयरफोन से इनको अंदर डाल देना है, सिंपल से आप लोग इसको अंदर डाल देना है। और जैसे ही आप लोग इसको अंदर डाल देंगे, रुकिए मैं बताता हूँ आपको,
काफ़ी अच्छी आसानी तरीके से आप लोग को इसको अंदर डाल दे। मेरा थोड़ा वो दूर है इसीलिए बन नहीं पा रहा, तो मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ। हाँ, अब आप लोग को दिख रहा होगा, तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जैक कितना अच्छा लग रहा है और कितना ये अच्छा क्लियर यहाँ पे ये दिख रहा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को, अब जो ये आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, मैंने अभी ईयरफोन से मैंने बना रखा है, ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं इसी से कर रहा हूँ, वॉइस इसी से पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को वॉइस इसका अच्छा लग रहा हो और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।